दोस्तों जिंदगी की बात हम करके यहाँ से चलते हैं, आपको बात समझ आए चाहे ना आए, लेकिन हम बात करते हैं, बात वो करते हैं जो जिंदगी से हमारे लाइफ में जो उतराव चढ़ाव लेकर आती है, अप्स डाउन आते हैं, सुख और दुख आते हैं, वही बातें हम करते हैं। आज मुझे सुबह जाने का मौका मिला एक, जहाँ हमारे काफ़ी गार्डन है, जैसे रोज गार्डन हो गया, PAU में लोग सैर करने के लिए जाते हैं, रखबाग में जाते हैं, तो वहाँ पर चंद लोग आते हैं। किस लिए आते हैं वहाँ पर वो लोग, मैं तो कभी जाता नहीं वहाँ पर, वहाँ पर वो लोग आते हैं बिजनेस के लिए, बातें ज़्यादा करते हैं और सैर कम करते हैं, वो एक चक्कर लगा के बैठ जाते हैं, फिर चालू हो जाती है उनकी गुफ्तगू, बातें शुरू कर देते हैं, अरे वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। एक लड़के ने मेरे को आवाज़ मार ली, भैया लड़का नहीं कहूँगा, बंदा कहूँगा, बंदे ने आवाज़ मारी, आ जा इधर, उसके साथ गनमैन भी होता है, लेकिन आज पता नहीं कहाँ गनमैन छोड़ा था, मैं भी उसके पास जाके बैठ गया। कहते हैं लोगों को जानते हो, तो मैं चुप रहा, तो वो दूसरे को बोला कि मेरे को जानते हैं वो लोग, वो भी चुप रहे, दोनों चुप, दोनों तरफ से चुप रहे, ना वो बोले ना मैं बोला। लेकिन वो सामने एक बैठा था, मैंने कहा थापर साहब मेरे को आप जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? मैं क्या तेरे घर पे जाके तेरी इंटरव्यू करके आया था, मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूँ। एक काउंसलर बैठा था वहाँ पे, मैं ऊंचा लंबा भारी था भैया, आजकल नहीं है वो, हारे हुए हैं या फिर उनकी बुजारत नहीं है। मैं उसकी तरफ देखता रहा, वो नहीं मेरे को जानता था, मैं उसको जानता था, मैं उन सभी लोगों को जानता था जितने वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे बातें कर रहे थे, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मेरे को कोई जानता है या नहीं जानता मुझे नहीं मालूम, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई जाने भी ना। क्या लेना जान पहचान बढ़ाकर यार, ना हम किसी की रस्म पगड़ी पे जाएं, ना हम किसी के सुख और दुख में जाएं, समय तो उतना ही है ना भैया। ये लोग रस्म पगड़ी पर जाते हैं, इनका अगले दिन अखबार में नाम छपा होता है, जो VIP लोग होते हैं, मरता कोई है, नाम ये चमकाते हैं अपना, शर्म करो, शर्म करो। किसी के माँ बाप के मरने पर आप लोग वहाँ जाकर अखबार में नाम छुपवा कर अगले दिन आप अखबार में पढ़ते हैं, ये लोग हैं जो सुबह सैर करने के लिए जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, वहाँ पर बैठ के फिर बातें करते हैं, आज ये फना चला गया, पोत हो गया, मौत हो गया, आज उसकी रस्म पगड़ी पे जाना है, अब उसके बर्थडे पे जाना है, आज उसकी पार्टी पे जाना है, अब उसकी शादी में जाना है, यही तो बातें हैं, इनके पास इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी तो इस देश का बेड़ा गर्क हो गया है, तभी तो डॉक्टर लूट रहे हैं, कदा अदालत में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, तो वकील अपना साबुतकाव लगा रहे हैं, बाजार में चले जाओ तो नकली माल मिल रहा है, खोआ भी नकली, दूध भी नकली, हर चीज़ नकली। अरे वाह, ये बातें करते हैं, अपने आप को बड़ा कहते हैं, ये ना जितने बड़े लोग हैं अपने आप को बड़ा समझते हैं, नहीं बड़े वो, सबसे पहले तो वो मूर्ख लोग हैं, वो जहाँ पर जाते हैं फिर सिर्फ जो सैल करने के लिए जाते हैं, बढ़िया बात है, सैल करने के लिए और भी बहुत सारी जगह हो सकती है, आपके पास गाड़ी है, आप किसी खेत में चले जाओ, किसी खुली जगह में चले जाओ, जरूर है भीड़ के बीच में जाके सैल करनी है आप लोगों ने, भीड़ में भैया जान पहचान बढ़ती है ना, चार लोग मिलते हैं भैया, हाँ सैल करने थोड़ी जाते हो वहाँ पर, तो आप अपना जान पहचान बढ़ाने के लिए जाते हो, हैं शादी रस्म पगड़ी पर जाने के लिए वहाँ पर एक दूसरे को मीठी मीठी बातें करते हो, हैं यार उन्हें भी देनी यार, ज़्यादा कार्ड उन्हें भी बुलाने यार प्रोग्राम थे, और यार मैं कल नहीं आना है, ऐसे लोग हैं जे हमारे देश के, हमारे शहर के सेठ लोग जो हैं, गाड़ी लेनी है भैया, मेरा 50,000 रुपये का महीने का खर्चा है, हम ऐसे फोकड़े में चले जाते हैं, ना हमारे पास गाड़ी है, ना हमारे पास कोठी है, ना हमारे पास कार है, बातें करनी होती हैं जहाँ पर जी चाहे वहीं पर खड़े होकर जितना चाहो बोल लो यार। अरे यार हम गाली नहीं देते, हम तो बात करते हैं जो आपके जैन में आई, आपको समझ में आई। आप लोग सिर्फ वही गाड़ी वाले हैं, कोठी वाले हैं, कार वाले हैं, रेस्टोरेंट में जाने का खाने वाले हैं, विवाह शादी में जाके नाचने वाले हैं, उससे ज़्यादा रस्म पगड़ी पर जाके अखबार में फोटो देखने वाले हैं, इससे ज़्यादा आपके पास कुछ भी नहीं है, और इतनी सोच है, और जैसे मेंढक होता है कुएं का, वहीं पर वो ट्रे ट्रे करता रहता है, वहीं पर छाल लगाता रहता है, जैसे कोल्लू का बैल होता है वहीं इतने दायरे में घूमता रहता है, भाई हालात आपके हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप सेठ नहीं, अमीर नहीं, कुछ भी नहीं, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी 1,000 की 20 लाख की 1 करोड़ की कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी ज़िंदगी वहीं घूम के ख़त्म हो जाती है। फिर रस्म पगड़ी पर जाकर आप अखबार में जाकर एक दिन अगले दिन वो फोटो देख लेते हैं, जिस दिन आती है तो अगले दिन अपना नाम पढ़ लेते हो, ये है आप लोगों की दिनचर्या, ये है आपकी लाइफ, हैं ओए मंदा बांझा। वो देख लड़का रोटी खा रहा है, वहाँ पीछे देखा, देखिए वो पेट लगी है ना, रोटी खा रहा है, खाना
पानी भी साथ लेके आए थे।